Good morning, children. It's your study time. Today we are going to learn English. आज मैं आप लोग को English में R for rabbit, ये देख रहे हैं R for rabbit, ये मैं English की copy में आज आप लोग को लिखने बताऊंगी R for rabbit. ठीक है, आप लोग को कल मैं R letter book में लिखने के लिए बताई हूँ. आज मैं R for rabbit कॉपी में लिखने के लिए बता रही हूँ. ये देखिए, ये कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है. इसमें आप लोग को R for rabbit ये कॉपी में आज मैं लिखने के लिए आप लोग को बता रही हूँ कैसे लिखना है. ओके, RABBIT rabbit, ये स्पेलिंग को लर्न भी करना है और लिखना भी है. पहले कॉपी में आप इस तरह से R पहले लिख लीजिएगा. ठीक है, ये R थ्री लाइन को टच करते हुए पहले R लिखेंगे. फिर डैश देंगे और रैबिट का स्पेलिंग है RABBIT rabbit. ठीक है, आप R for rat भी लिख सकते हैं, R for rocket भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ आपको rabbit लिखने के लिए बता रही हूँ. फिर देखिए, पहले R लिखेंगे. जब भी कोई वर्ड्स लिखते हैं तो पहले लेटर लिखते हैं, उसके बाद इस तरह से डैश दीजिएगा और फिर रैबिट का स्पेलिंग लिखेंगे RABBIT rabbit. नेक्स्ट यहां भी देखिए बता रही हूं लिखने के लिए R लिखे, फिर डैश देंगे और रैबिट का स्पेलिंग लिखेंगे RABBIT. नेक्स्ट फिर लिख रही हूँ, यहाँ देखिए R लिखे, डैश देंगे और रैबिट का स्पेलिंग है RABBIT. इस तरह से लिखेंगे बच्चों, आपको हर लेटर थ्री लाइन में टच करके लिखना है. नेक्स्ट फिर मैं बता रही हूँ, R लिखे, फिर डैश दे देंगे और उसके बाद रैबिट का स्पेलिंग लिखेंगे. आपको एक एक वर्ड ही लिखना है बच्चों कॉपी में, क्योंकि लर्न भी करना है. इसलिए देखिए, आज मैं एक वर्ड आपको रैबिट लिख करके बता रही हूँ. RABBIT
आई टी रैबिट। फिर देखिए यहाँ भी लिख करके बता रही हूँ आपको, आर लिखने के बाद डैश दीजिएगा, आर लिखे फिर डैश दीजिएगा और रैबिट का स्पेलिंग है आर ए डबल बी आई टी, आर ए डबल बी आई टी रैबिट। फिर से देखिए आप लोग इस तरह से आप लोग कॉपी में लिखिएगा रैबिट का स्पेलिंग, देख रहे हैं। नेक्स्ट यहां भी देखिए बता रही हूं लिख करके, आर लिखेंगे फिर डैश देंगे और रैबिट का स्पेलिंग है आर ए डबल बी आई टी रैबिट, आर ए थ्री लाइन को टच करते हुए लिखिएगा बच्चों, क्योंकि लाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लाइन में ही लिखना आपको है। डबल बी आई टी रैबिट, ओके। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए बता रही हूँ लिख करके, आज मैं आप लोग को इंग्लिश की कॉपी में आर फॉर रैबिट लिखने के लिए सिखा रही हूँ। आर ए डबल बी आई टी रैबिट, अंडरस्टैंड। ओके चिल्ड्रेन, आपको इसी तरह से रैबिट का स्पेलिंग लिखना है, थ्री लाइन को टच करते हुए लिखिएगा, क्योंकि लाइन में आप लोग जब नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए इंग्लिश की कॉपी में जब मैं बताती हूँ तो लाइन भी आपको बता रही हूँ कि थ्री लाइन में लिखना है। अभी नेक्स्ट यहाँ देखिए फिर मैं बता रही हूँ आपको लिख करके कि आर पहले लिखिएगा ये थ्री लाइन को टच करते हुए, ये कैपिटल आर है, इस तरह से लिखेंगे फिर डैश देंगे और रैबिट का स्पेलिंग है आर ए डबल बी आई टी रैबिट, ओके।
कल आप लोगों को मैं बुक में आर लेटर लिखने के लिए बताई थी, आज आप लोगों को कॉपी में आर फॉर रैबिट लिखने के लिए सिखाई हूँ। आप लोग इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर आपको एच डब्ल्यू दे रही हूँ, ये आपका एच डब्ल्यू है, कॉपी में आपको लिखना है। इंग्लिश की कॉपी में बच्चों लाइन को फॉलो करते हुए लिखिएगा, क्योंकि अभी आपको मैं सिर्फ कैपिटल लेटर ही बता रही हूँ, स्मॉल लेटर अभी नहीं सिखाई हूँ। आगे आपको स्मॉल लेटर भी मैं बताऊँगी जब आप अच्छे से कैपिटल लेटर लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। पहले आपको कैपिटल लेटर सिखाऊंगी, उसके बाद स्मॉल लेटर भी सिखाऊंगी, अंडरस्टैंड। रैबिट का स्पेलिंग है आर ए डबल बी आई टी, रैबिट, ठीक है। आप इसी तरह से लिखिएगा, पहले आर लिख के डैश दीजिएगा और रैबिट का स्पेलिंग आप बुक से देख करके लिख लीजिएगा बच्चों, या फिर आपको इजी लगेगा तो आप रैट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी छोटा है। मैं आपको आर फॉर रैबिट लिख करके बताई हूँ, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।